सिरसा लघु सचिवालय में किसानों की प्रमुख मांगों में बकाया मुआवजा राशि को लेकर बीकेई के नेतृत्व में पक्का मोर्चा 42वें दिन भी जारी है। वहीं डींग मंडी निवासी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से 68 वर्षीय ओम प्रकाश का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। ओम प्रकाश के परिवार के सदस्य उनका हालचाल जानने के लिए धरनास्थल पर पहुंचे। आमरण अनशन के चलते ओम प्रकाश का बीपी व शुगर लेवल काफी कम हो गया था, जबकि 5 किलोग्राम वजन भी घट गया। बावजूद इसके बुलंद हौसले से ओम प्रकाश जुरिया ने कहा कि क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसलिए देश आजाद करवाया था कि हमारे बच्चों को अपना हक पाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़े। भारत देश को हमारे क्रांतिकारियों ने मुगलों व अंग्रेजों से इसलिए आजाद करवाया था कि हमारे आने वाली नस्लों को उनका हक दिलवाएंगे, लेकिन अब हमारा देश गलत हाथों में चला गया। हमारा हक दिलवाने की बजाय हमारे बच्चों का खून चूसकर खुद विदेशों में जमा करवा रहे हैं, इसीलिए आज हमें सड़कों पर आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ओम प्रकाश का कहना है कि किसानों के हक के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि करोड़ों भारतीयों का पेट भरने वाला अन्नदाता जब सड़कों पर है तो वह चैन की नींद कैसे सो सकता है। इस मौके पर बीकेई अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि ओम प्रकाश की हालत लगातार कमजोर होने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी उनकी समस्या को जानने के लिए नहीं आया। प्रशासन व सरकार की बेरुखी के विरोध में आज से डीसी कार्यालय के बाहर राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने जिले भर के किसानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर किसानों के आंदोलन को मजबूत करें, ताकि सत्ता के नशे में चूर सरकार को आईना दिखाया जा सके। मर्जी से बैठे हैं, हमारे परिवार की सहमति ले ली, ये साइडी वाले भाई भी जाइए और हम हमारी मर्जी से बैठे हैं। हर हमारे बच्चे बच्चे की यही, हम क्रांतिकारी परिवार से हैं। हमारे क्रांतिकारी वीरों ने देश इसलिए आजाद नहीं करवाया था, हम किसानों ने इस तरह बैठ बैठ के हमारी जो ये मांगे हैं, ये सरकार की जो पॉलिसी जो बनाई हुआ जो मुआवजा है ये किसानों का 3-3 साल तक बकाया रख दे, ये बुजुर्गों की विधवा विकलांग पेंशने हैं ये 3-3 2-2 साल तक बढ़ानी कर के 250 रुपये साल के बढ़ाने के लिए दे, पहले 5100 दिया दुष्ण थी 5100 कया खटर 3100 कया, फिर सरकार बना के रह बोलिया कि मैं इतना तो बजट बहुत है जो 250 रुपये साल का बढ़ाऊंगा, 2 साल में बढ़ाया 1-14 महीना हमारा वह विकलांग एक गरीब विधवा बेटी है बिना ये 250 रुपये साल का खा गया, तो इसी बुरी और कोई सरकार को नहीं इसके, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तो चाहे मन प्राण त्यागना पड़े, हमारे बुजुर्ग देश की खड़ी लड़ाई लड़ी दे हमारे किसान भाई इनका प्राण दे देंगे पर खड़े होकर नहीं जाऊंगा, जब तक या सरकार वो कोई ना माने तो आगे माने कह दे झूठा मांगो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, अगर जो हमारी बात सच है तो हमारा या तो दो या सरकार आगे कह दे कि मैं झुकया और मारो पार कौन पड़े, तो मैं सच्चाई है जरूर है, सच्चाई है हमारी बात, सच्चाई है जो मुख्यमंत्री जवाब ये वादे हुए थे कि नहीं हुए थे, सच्चाई है ये गलत लोगों के हमारे क्रांतिकारी वीरों ने के देश इसलिए आजाद कराया था कि हमारे बच्चे सड़कों पर पड़ पड़ के अपनी जो सरकार की कोई मांग दी हुई है वो सड़कों पर पड़ पड़ के 40-40 दिन, जो हमारा कृषि मंत्री है वो यहाँ आया था सरसर, उसके किसानों का कृषि मंत्री किसानों का होता है, और जो उसके किसान भाई यहाँ बैठे उनकी समस्या पूछने तक नहीं आया, वो कृषि मंत्री नहीं वो कसाई मंत्री मानते हैं, वो कसाई मंत्री है। प्रशासन से